सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है हम ध्यान दीजिएगा। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एकदम सिंपल है, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन का यह संकेत है और वो लिखा गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उस संयोजी को इंग्लिश में वैलेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन होता ही है। दूसरा देखिए, कोर इलेक्ट्रॉन कौन है? कोर इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा को छोड़कर, अंतिम कक्षा को केवल छोड़ देना है, अंतिम कक्षा को छोड़ छोड़कर सभी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या क्या कंक्लूजन मिलेगा वो ध्यान दीजिए। तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे और कोर इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़कर। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो सकते हैं और प्रकृति क्या होगी, ये कल बता रहे थे आप लोगों को। संयोजी इलेक्ट्रॉन यहां देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख रहे हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, वन है, टू है और थ्री है, तो बराबर धातु होगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया और वन टू थ्री है तो वो धातु होगा। क्या होगा? धातु। एक में अपवाद है, अब अपवाद इसमें कौन है ध्यान दीजिए, अपवाद, अपवाद कौन कौन है देखिए, ये एक वाले में हाइड्रोजन है, दो वाले में हीलियम है और तीन वाले में कौन है, बोरॉन। हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है लेकिन वो धातु नहीं है, हीलियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो होता है लेकिन वो धातु नहीं है, अधातु है। बोरॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन होता है लेकिन वो धातु नहीं है, उपधातु है। ये एक एक अपवाद को छोड़ दीजिए, तो अगर इन तीनों को छोड़कर कहीं भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दो तीन आ रहा है तो वो धातु ही होगी, पहचान है धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दो तीन आ गए, एक दो तीन आ गए, तो समझ जाइए कि वो धातु है, बस इन अपवादों को छोड़कर, अपवादों को छोड़कर, राइट। बाकी अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का चिन्ह है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन चार पांच छह आ गया, चार पांच छह आ गया, इसमें कंबाइंड होता है, धातु भी होता है और धातु भी होता है, उपधातु भी होता है, इसको याद करना पड़ता है, राइट। समझ के पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको, इसमें धातु और धातु और उपधातु सब होगा, इसमें फिक्स नहीं है। यानी चार पांच छह आ गया संयोजी इलेक्ट्रॉन तो फिक्स नहीं है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है, तो आपको याद रहेगा, समझे रहोगे तो बता सकते हो, नहीं तो नहीं बता पाओगे। अगर ध्यान दो, संयोजी इलेक्ट्रॉन आ गया सात और आठ तो बराबर अधातु होगा, इसमें कोई शब्द, पर रिएक्शन में भाग कौन लेता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, राइट। इसको भी नोट कर लीजिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, कोई भी बॉन्ड बनेगा, कहीं भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन भाग लेने वाला है तो वो संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, कोर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेगा। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि हम लिखे हैं Na प्लस और Cl माइनस, क्यों लिखे, राइट। इसमें देखिए दो तत्व है, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का देखिए परमाणु संख्या कितना होता है, 11, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1।
और क्लोरीन का होता है 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, गौर कीजिए यहां पर देखिएगा तो अंतिम कक्षा ये है, यहां पर ये है, यहां पर अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, यहां पर अंतिम कक्षा में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 है। ठीक, अब गौर कीजिए यह स्पष्ट हो गया यहां पर अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो पहले तो देखकर ही पता चल गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो सोडियम धातु है और क्लोरीन में 7 है तो क्या है, अधातु। तो सोडियम हो गया धातु और क्लोरीन हो गया अधातु। अब ये भी आपको पहले से रिमेम्बर है कि जो धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। अब बताइए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो सोडियम 1 दे सकता है और क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, क्लोरीन में 5 यहां पर आ गया है, 5 2 7 है, तो ये कितना कर सकता है, 1 ले सकता है क्योंकि p को भरने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन खाली, अगर p में 6 हो जाएगा तो आगे चला जाएगा ये, तो ये पूरा भरने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, और वो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सोडियम। तो इसीलिए देखिए सोडियम को पर हमेशा एक ही प्लस लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास है ही जो कि वो दे सकता है, ले नहीं सकता है, क्या कर सकता है, दे सकता है, क्योंकि धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन देती है और अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है। क्लोरीन क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्लोरीन 2 को भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, क्यों, क्योंकि इसको 7 से 8 बनाना है, अष्टक नहीं है। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन लेन देन कर अक्रिय गैसों की तरह स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए। तो यदि अब कहेगा कि सर कैसे अक्रिय गैस की तरह ये स्थायी विन्यास प्राप्त करेगा, ये देखिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, 1, ये दे देगा तो ये वो प्लस हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज अगर बाहर निकलेगा तो जिस चीज से अगर निगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा वो पॉजिटिव होगा, राइट। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब ये देखिए निकल गया बाहर, ये 3s1 तो बाहर जाना पड़ेगा ना, इसको तो बच गया इतना, गौर कीजिए अब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तभी ना माइनस होगा, लेगा तो क्या होगा, ये 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 5 1 क्या हो जाएगा, 6, ये इलेक्ट्रॉन 5 से कहाँ होगा, तो ये हुआ माइनस, तो Na के ऊपर एक प्लस हो गया और Cl के ऊपर एक क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए दोनों का अष्टक पूरा है कि नहीं पूरा है, देखिए यहाँ पर अंतिम कक्षा ये हो गई और यहाँ पर अंतिम कक्षा ये हो गई, दोनों में इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 6 2 8 6 2 8, दोनों का अष्टक पूरा हो गया, दोनों अक्रिय गैस की तरह स्थायी भी हो गए, इनका विन्यास भी स्थायी हो गया, लेकिन इसके लिए सोडियम को 1 देना पड़ा, क्लोरीन को 1 लेना पड़ा। अब हमारे पास सवाल होगा कि सोडियम ऑक्साइड लिखना है Na2O। अभी देखिए सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम होता है 11 1s2 2s2 2p6 और 3s1, वेरी गुड। अब ऑक्सीजन होता है 8 1s2 2s2 2p4, यस है, और यहाँ पर ये 2 है, ये अंतिम कक्षा, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 2 6, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। ठीक है, अब गौर कीजिए अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये एगो लेगा तो 7 ना होगा, 6 1 7, तो अष्टक पूरा हुआ, अष्टक पूरा नहीं हुआ, ऑक्सीजन का अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, और एक सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 1 देगा, एक सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 1 देगा, लेकिन ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि यहाँ 6 ही ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 2 6, अष्टक का मतलब 8 पूरा होना चाहिए। अब एक सोडियम 1 देता है, एक ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए कितना सोडियम का जरूरत पड़ेगा, 2 का, क्योंकि 2 सोडियम रहेगा तो वो कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, और तभी जाकर ये लेकर क्या करेगा अपने बाबू, अष्टक पूरा करेगा, राइट। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिए 2 सोडियम हो जाता है Na, अब तो ये Na में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, उसको एक बिंदु के द्वारा हम सूचित कर देते हैं, ये देखिए सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 1 बिंदु। अब ऑक्सीजन की बारी आई, ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, ये देखिए ऑक्सीजन हो गया ये ओ, ओ में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 2 2 4 और 2 6, राइट। अब देखिए ये बॉन्ड बनने वाले हैं, ये सोडियम जो है इसको दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और ये भी दे दिया इसको, अब ये दोनों अगर इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसके ऊपर भी प्लस आएगा, इसके ऊपर भी प्लस आएगा,
और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां था यहां चला जाएगा, यहां आ गया इलेक्ट्रॉन। अब गौर से देखो, ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, दो गो लिया है, एक गो इस सोडियम से, एक गो इस सोडियम से, तो एक गो सोडियम तो एक ही दिया है, एक ही प्लस होगा, लेकिन ऑक्सीजन तो एक ही ऑक्सीजन है और कई गो इलेक्ट्रॉन लिया है, दो गो लिया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना माइनस हो जाएगा, टू माइनस। ये प्रोसेस हो जाएगा इस तरह, तो यहाँ पर Na2+ ही होगा, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर कितना माइनस हो जाएगा, दो माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप कहेगा कि सर चार पांच छह धातु है कि अधातु है, ये तो हम लोग पहचान नहीं सकते हैं। चार पांच छह धातु है कि अधातु है, इसको हम कैसे पहचानेंगे भाई मेरे, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन छह है, ये धातु हो सकता है अधातु भी, उपधातु ही है, अपना दिमाग लगा के चलना है। आपको बताए थे हम कि पहचान लेना है अपने, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और गैस क्या होती है, अधातु होती है, गैसे हमेशा क्या होती है, अधातु है, गैसे धातु नहीं होती है, गैसे हमेशा अधातु होती है, राइट। ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन छह है। अब इसी के आधार पर ये तो आयनिक बंधन था, देखो एक धातु रहेगा और एक अधातु रहेगा तो आयनिक बंधन बनेगा, लेकिन अगर दोनों अधातु हो जाए, अगर दोनों अधातु हो जाएगा तो ना तो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना ले पाएगा, तब उस समय वो साझेदारी करेगा, तो सहसंयोजक बंधन बनाएगा। कौन सा बंधन, सहसंयोजक बंधन बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में भी कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेंगे। अब सहसंयोजक बंधन बनाना तो आप लोग पहले से ऑलरेडी सीखे हुए हो मैट्रिक में, उसको थोड़ा एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे हमको H2O में बॉन्ड बनाना है, H2O में, H2O, H2O का नाम सुना है आप लोगों ने, जल होता है, H2O जल ही जीवन है, और जल कल से हो भी रहा है, मौसम भी थोड़ा डिस्टर्ब है। H2O को गौर से देखिएगा, H2O सबसे पहला फैक्टर होता है कि इसमें हम बीच में किसको रखे, बॉन्ड जब बनता है तो कोई केंद्र में रहना चाहिए, कोई बीच में रहना चाहिए, राइट। H2O में बीच में किसको रखेंगे, तो हम आपके को फॉर्मूला बताए थे केंद्रीय परमाणु पहचाने का, जिसकी संख्या कम होगी वो बीच में होगा, या जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो बीच में होगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है ये कैसे हम ज्ञात करेंगे, है ना। तो आपको याद होगा हमने कल बता रहे थे कि ध्यान दीजिए वर्ग कितने हैं, 18 है। ये देखिए वर्ग कौन कौन है, एक है, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह। 18 को वर्ग है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन वर्ग वाइज कैसे निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपको याद है कि कौन सा तत्व तो किस वर्ग में है तो बता दो, एक में एक ही होगा, दो में दो, तीन में दो, चार में दो, पांच में दो, छह में एक, सात में दो, आठ में दो, नौ में दो, दस में दो, ग्यारह में एक, बारह में दो, तेरह में तीन, चौदह में चार, पंद्रह में पांच, सोलह में छह, सत्रह में सात, अठारह में आठ। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखने का तरीका, अगर आपको वर्ग पता है, अगर कोई तत्व लिखे हो और ये आपको याद है कि भाई सोडियम वर्ग एक में है, तो ध्यान रखिएगा अगर ये वर्ग है, ये वर्ग है, जो वर्ग एक में तत्व है ना उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ऐसे बांट दिया हूं तो देख लीजिए, एकदम समझिए कि केमिस्ट्री का सब एकदम शॉर्टेड क्विक है सर, इतना पढ़ेंगे हम लोग इसी को बढ़िया से समझने के लिए, कौन सी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं इसी को समझने के लिए। देख लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, तब जब अगर आपको पीरियोडिक टेबल के वर्ग वगैरह याद है कि कौन सा तत्व तो किस वर्ग में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम ऑलरेडी मिल जाएगा कि भैया वर्ग एक में है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, दो में है तो दो, अगर वर्ग तीन में है, तीन से लेकर देखिए पांच तक दो है, फिर छह में कितना आ गया, एक आ गया है, और फिर सात से लेकर दस तक दो है, फिर ग्यारह में एक आ गया है, फिर बारह से देखिए चालू हो गया है, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, ठीक है। अपवाद है, अपवाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है, इसमें, इसमें 18 में, 18 में वो हीलियम आता है अपवाद स्वरूप, हीलियम अक्रिय गैस है, हीलियम जो होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, लेकिन उसको रखा गया किसमें, 18 में। हीलियम को छोड़ दीजिए तो सबका आठे होता है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, वर्ग 18 यानी शून्य वर्ग में अक्रिय गैसे होती है, उसमें एक हीलियम को छोड़ दीजिए तो सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आठ ही हुआ, हीलियम डुएट पूरा करता है ना, अष्टक पूरा नहीं करता है, तो हीलियम एक अपवाद है वर्ग 18 वाले में, उसके अलावा सब क्या है सही है। कंप्लीट गौर कीजिए,
ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन की कहानी हो गई है ना। अब बॉन्ड बनाना है H2O में, साथ ही का इधर है H2O में H2O है, ऑक्सीजन एक है तो बीच में रहेगा ऑक्सीजन और दोनों साइड में हाइड्रोजन रहेगा। आप कहीं अगर किस तरह से हाइड्रोजन को ऊपर नीचे कहीं भी रखते बाबू अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी रख सकते हो, ओ के चारों ओर कहीं भी एच को रख सकते हो, बीच में रहेगा ओ। ये पहले एक बार हम बता भी चुके हैं है ना आप लोग क्लास में, ध्यान दीजिए। अब ये डिसाइड कीजिए कि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अगर आपको वर्ग वाइज याद है तो यहाँ से देख कर आप डाल भी सकते हो, अगर वर्ग नहीं याद है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए और देखिए कि अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 1s1 ही आएगा, ऑक्सीजन का कीजिएगा तो 1s2 2s2 2p4 आएगा, कितना आएगा तो 4 2 6 यहाँ पे 1। तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना बिंदु आपको डाल देना है जिसको लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। ऑक्सीजन में 6 है तो 6 को जहां मन करे वहां 2 2 4 2 6 डाल दी है ना। और हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है तो 1 डाल दीजिए। लेकिन अब सवाल उठा कि हाइड्रोजन में 1s1 है, s में 2 को जाता है, अभी 1 को लेगा तो 1 कंप्लीट हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 1 ही लेने का ना प्रयास करेगा। हाइड्रोजन कितना लेने का प्रयास करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करेगा, तो वो कहां से लेगा, वो ऑक्सीजन से लेगा। ये देखिए 1 के सामने 2 लिखना गलत हो जाएगा, कहेंगे जब बॉन्ड बनाने आएगा तो 1 ही इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, 2 को नहीं लेगा। ये 2 वाले को थोड़ा सुंदर लगे और बॉन्ड बनाने में आसानी हो दोनों साइड में वो कर देते हैं। तो ये देखिए ये अपना डुएट पूरा कर लिया हीलियम की तरह और ऑक्सीजन यहाँ का स्टॉक पूरा कर लिया, ये बना लिए बॉन्ड। क्योंकि ध्यान दीजिए हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और दोनों के दोनों अधातु हैं, तो दोनों अधातु हैं। अगर एक धातु होता एक अधातु होता तो धातु इलेक्ट्रॉन देता और अधातु इलेक्ट्रॉन क्या करता, लेता। लेकिन यहाँ पर दोनों अधातु हैं, अब अधातु हैं तो इसमें लेने देने का क्षमता सबका लगभग क्या है बराबर है, तो इस स्थिति में इन्होंने इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, ना लिया ना दिया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अब बताइए हमने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड में केंद्रीय परमाणु कौन होगा, बीच में किसको रखेंगे, सी कार्बन को सर, कार्बन को, इसमें कोई शक नहीं है, जो कम होगा वो बीच में रखाएगा। देखिए इसके 3 रूल हैं, लेकिन चूंकि अभी आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो पहला रूल समझ लो, फिर धीरे धीरे आगे कुछ जानकारी होगी तो दूसरा पढ़ोगे, क्योंकि सिलेबस तो बहुत लंबा है, अभी बहुत चीजें सीख रही है, एक ही दिन में सारा चीज खत्म नहीं होगा और ये सारी चीजें जो है ना अभी बहुत बृहद होती जाएंगी आगे, तो दिमागी रूप से प्रिपेयर होइए, पढ़ाई कोई मजाक नहीं है, खेल नहीं है, सीरियस होकर पढ़ना पड़ता है। और हम जो लेकर चलते हैं बेसिक से लेकर चलते हैं, बेसिक का मतलब ये चीजें एक बार पढ़े हो ना आपको पहले बोले फिर एक बार आएंगी, क्योंकि इनको 2 बार 3 बार जब तक पढ़ाया नहीं जाएगा तब तक बच्चों को ये क्लियर नहीं होगी। तो अभी कुछ सीख लो फिर दूसरी बार में और कुछ क्लियर होगा, फिर तीसरी बार में 100% क्लियर हो जाएगा ना। तो बीच में सी होगा तो हमने सी डाल दिया, दोनों किनारे और डाल लेंगे। अब कहोगे सर इधर उधर नहीं डाल सकते, भाई अपनी सुविधा के अनुसार सी के चारों ओर में कहीं भी ओर डाल सकते हैं, अपने बॉन्ड बनाने में आपको कहां सुधार हो उसके अनुसार। अब बताइए सी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो याद कीजिए सी होता किसमें है, सी वर्ग 14 में होता है, सी जो होता है वर्ग 14 में होता है कार्बन, कार्बन वर्ग 14 में होता है, तो वर्ग 14 यहां पर है, वर्ग 14 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 4 हो गया, तो डाल दिए 4। अब बताओ यहाँ यहाँ डालेंगे तो काम होगा, कहीं भी डालोगे तो काम हो जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जस्ट इससे पहले भी निकाले थे 6, और ये भी आपको बताए थे कि ऑक्सीजन वर्ग 16 में होता है तो उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6, ऑक्सीजन में 6 को डाल देते हैं। अब बताओ जहां मन करे वहां इलेक्ट्रॉन तो हम डाल सकते हैं, लेकिन बॉन्ड बनाते समय तो इलेक्ट्रॉन वहां रहना चाहिए जहां उसकी जरूरत है। अब ऑक्सीजन को बनाना है कार्बन के साथ बॉन्ड, तो ना तो ऑक्सीजन का इधर इलेक्ट्रॉन है ना कार्बन का इधर इलेक्ट्रॉन है, हो गया ना गड़बड़। ऑक्सीजन में 6 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 को में कोई कोई साझा करेगा कि 8 होगा तो 2 को करेगा, तो कार्बन का जो ऊपर इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, इसका कोई काम ही नहीं है, ऊपर तो कोई है ही नहीं बॉन्ड बनाने वाला। यहाँ पर ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के सामने ना आएगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन ये किसके सामने आएगा, ऑक्सीजन के सामने आएगा, तभी ने 6 2 8 और ये भी कर लेगा 6 2 8 राइट, ये कार्बन के सामने आया, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के सामने आया। अब देखिए समस्या है कार्बन में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी तो 4 को चाहिए ना, तो कार्बन का जो 4 है तो या ऑक्सीजन वाले भी है जो इस साइड में जिसका कोई काम नहीं है उसकी ओर आ जाएगा, कार्बन की ओर आ जाएगा, कार्बन का तो 2 2 4 था, अब ऑक्सीजन से इधर से 2 को देखो कार्बन यहाँ इसको 2 को दिया है, 2 को लेगा भी ना तभी ना डबल बॉन्ड बनेगा, इधर भी वही हाल ये ले लिया, तो कार्बन का गोला में देखिए कार्बन के गोले में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन के गोले में भी कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है,
ये साझेदारी जो होती है ना, ये ट्रैप करके इलेक्ट्रॉन दोनों में घूमते रहता है। इसका फिगर वाला वीडियो बड़ा बढ़िया हम बना के भेजे थे रदरफोर्ड के मॉडल में, आपको बताए थे, ध्यान दीजिए। इस तरह अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया और यहां पर हो गया, ये दो हो गया ना ये। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से चला था इस वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पर आता है ना इलेक्ट्रॉन, एक रॉडिंग रूल इसको इसी में घूमते रहना है, लेकिन यहां से यहां जब आता है तो ये इसमें आ जाता है, इस तरह घूम जाता है, इस तरह घूम के फिर जब यहां आता है तो फिर इसमें आ जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों में घूमेगा, कैसे, ध्यान दीजिए, यहां आया ना, यहां से अपना में आ रहा है, ये अपना में आ रहा है, अब यहां आएगा तो यहां से इधर आ जाएगा, फिर ये घूमते 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 यहां आएगा, फिर यहां आएगा तो फिर एक बार इधर से मूव कर देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों में कॉमन हो गया तभी ना स्टॉक पूरा होगा, ये दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ये इस तरह इसके घूमने का है, बड़ा बढ़िया फिगर बना के आप लोगों को चलचित्र के द्वारा समझाया। अब देखिए दो कार्बन दो इलेक्ट्रॉन इधर भी दिया है, लिया है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेगा, राइट। तो यहाँ पर ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ओ, तो यहाँ ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है। बस जब पूरे करने के हिसाब से कंप्लीट वर्क कीजिए। एनएच थ्री हम लोग ले लें, एनएच थ्री में बताइए, एनएच थ्री में केंद्रीय परमाणु कौन होगा, यानी बीच में किसको रखेंगे एनएच थ्री में, एन को, एन को, सोडियम, इतना तो पता चल रहा है, बीच में हम एन को रख देंगे, तो साइड में हाइड्रोजन को हम कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए हाइड्रोजन में तो एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो झटपट लिख दोगे। नाइट्रोजन में कई वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, पांच, क्योंकि वर्ग 15 में है नाइट्रोजन, वर्ग 15 को हम इस तरह याद करते हैं, ना पसंद ऐसे सब बिस्कुट, ये वर्ग 15 है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मत, ये होता है वर्ग 15 में। सब में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, पांचे हो वर्ग 15 में, वर्ग 15 में जो भी आया उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन पांचे रहेगा, इसलिए तो वर्ग वाइज उसको याद किया जाता है, या इसको नेहा पंकज आशीष सब बिहारी भी इस तरह भी याद करते हैं। नाइट्रोजन में पांच है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन को तो एक ही चाहिए, तो हाइड्रोजन के सामने कितने रहने चाहिए, एक ही रहने चाहिए। हाइड्रोजन के सामने ये देखिए एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, और यहाँ पे दो हो गया, तो नाइट्रोजन के पांच हो गए। अब देखिए हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना लिया इस तरह। अब बारी आई, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है इसका अष्टक भी पूरा हो गया ना, देखो दो दो चार दो छह, हाइड्रोजन का डुएट, नाइट्रोजन का अष्टक, इसको हम लोग इस तरह बॉन्ड बनाते हैं, एच सिंगल बॉन्ड, एन सिंगल बॉन्ड, एच सिंगल बॉन्ड, एच, और ये बच गया इलेक्ट्रॉन। अब गौर करना आपने यहाँ पर देखा नाइट्रोजन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, पांच, लेकिन पांच को इलेक्ट्रॉन में तीनों को बंधन बनाने में भाग ले रहा है। नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे कितने, पांच, और बंधन बनाने में कितना भाग ले रहा है, तीन। ये देखिए एक दो तीन, इन्हें को भाग ले रहा है, दो को बंधन बनाने में भाग नहीं ले रहा, मतलब ये ना कहीं दिया है ना ही कहीं से लिया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लोन पेयर, जो बंधन बनाने में भाग ले लिया उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, मतलब बंधित युग्म। ये देखिए यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, ये बंधन बनाने में भाग नहीं लिया है, इसको बोलते हैं निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी लोन पेयर, राइट। ये जो एगो बॉन्ड है ना, इस एगो बॉन्ड में कई इलेक्ट्रॉन होता है, दो गो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो सिंगल बॉन्ड लिखे है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। तो जब भी ध्यान रखिएगा बॉन्ड बनेगा तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन, दो गो इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो, क्योंकि बॉन्ड का मतलब दोनों ओर से आदान प्रदान होगा तभी ना होगा, तो कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इस बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, दो, और दोनों बंध गए, इसको बोलते हैं बंधित युग्म, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का बंधित युग्म है। और जो भाग नहीं लिया है, ये दो इलेक्ट्रॉन देख लो, ये किसी को दे रहा है, किसी के साथ साझा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी लोन पेयर, राइट। और गौर कीजिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में अंतर है, ध्यान दीजिए, ये है संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक है संयोजकता, दोनों में अंतर होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है परमाणु के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजकता का मतलब क्या होता है, तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में भाग लेता है उसको बोलते हैं संयोजकता, राइट। ध्यान दीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, और संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या है जो बंधन बनाने में भाग लेती है। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर नाइट्रोजन को आप देखिएगा तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पांच, लेकिन इसमें बंधन बनाने में कितने भाग ले रहे हैं, तीन ही भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, नाइट्रोजन की संयोजकता तीन ही होगी, है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच लेकिन संयोजकता कितनी होगी, तीन होगी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है,
और संयोजकता का मतलब हुआ है कि जितना इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में भाग ले रहा, जैसे